पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी होता है हमारा यह आसन। इसके साथ साथ किडनी के मजबूती के लिए, किडनी में किसी प्रकार की संभावना अगर बन रही है उसको कमजोर होने के लिए, तो काफी मजबूत होना शुरू होती है जब लंबे समय तक इसका अभ्यास हम लोग करना शुरू करते हैं। त्रिकोण आसन, और धीरे धीरे यही प्रक्रिया दूसरी दिशा में, दूसरे हाथ से आराम आराम से, त्रिकोण आसन बेहद लाभकारी आसन होता है। पुनः सामान्य स्थिति में लें, धीरे धीरे पैरों में दूरी कम हो जाए, एक साथ जा सकते हैं उतना ऊपर की ओर जाएं, आराम आराम से जितना ऊपर की ओर जाएं, और फिर सांसों को छोड़ते हुए अगर कमर में दर्द हो तो आगे नहीं झुकेंगे, कमर में किसी प्रकार की समस्या न हो तो आगे की ओर झुकें, दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड्स में करें, गर्दन बिल्कुल अंदर की ओर, बायां हाथ बाएं पैर के बगल में, दाहिना हाथ दाहिने पैर के बगल में, तो रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कमर श्वास को भरते हुए बहुत मंद गति के साथ हम सब ऊपर की ओर चलें, एक साथ है बहुत मंद गति के साथ ऊपर की ओर चलें, और धीरे आराम से सामान्य स्थिति में हो लें, दोनों हाथ को बगल में करें, दोनों हाथ बिल्कुल बगल में हो, हथेलियों को नीचे की ओर करें और बहुत मंद गति के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर। दो से